हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। यह जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो है पार्ट 5 वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना चुके हैं। तो चलते हैं, ये जो है 5 वीडियो है। और तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यानी ये जो है ये क्वेश्चन नंबर यानी 15 है, यानी क्वेश्चन जो है ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो है यह ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रूफ करने वाला जो है क्वेश्चन जो चल रहा है। ये 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि रूट अंडर 1 + sin a / 1 - sin a बराबर sec a + tan a दिया है। तो आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो आपको इजी लगे उस पक्ष को लेकर आप सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको कितनों भी यानी वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हो कितनों भी लंबा प्रोसेस में हो तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे यानी इसको हल करेंगे। तो देखते हैं इसको हम उस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले दो पक्ष है, एक ये जो है बायां पक्ष है और एक जो है ये दायां पक्ष है। जब अगर हम बायां पक्ष लेंगे तो आपको दायां पक्ष लाना पड़ेगा, जब हम दायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष को लाई उसको सिद्ध करना है। तो चलते हैं सिद्ध करते हैं। ये जो है इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। रूट अंडर 1 + sin a / 1 - sin a। जब भी इस फॉर्म में अगर आपका अगर ये सवाल दिया गया हो तो इसको सबसे पहले हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का नियम बताया थे कि उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, यानी जो ये जो बीच वाला जो साइन जो होता है वह चेंज हो जाता है। तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, यानी 1 + sin a / ये हो जाएगा 1 + sin a। उसके बाद आपका होगा रूट अंडर 1 + sin a और 1 + sin a, यानी ये जो हो जाएगा आपका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin a का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों जो है यह समान में है। उसके बाद बट्टा तो बट्टा 1 - sin a और यहां पर 1 + sin a दिया है। तो पहले इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा यानी अलजबरा का जो सूत्र जो होता है यानी बीजगणित का सूत्र जो होता है a² - b² = a + b (a - b) जो होता है उसको उसका सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है यानी ये ट्रिग्नोमेट्री में उसको सिद्ध करने में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। यानी ये जो है a² - b² = a + b (a - b) होता है, यानी a + b (a - b) है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये a + b है और a - b है। तो यह जो है इतना दिया गया है यानी यहाँ पर इतना इतने के बराबर जब होगा तब हम लोग ये लिखेंगे यानी a² - b² इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin² ए हो जाएगा। दोस्तों स्क्वायर से रूट कट जाता है यानी इसका रूट कैंसिल हो गया।
अब यह हो जाएगा आपका सॉरी, यानी ये जो होगा इस एक ही पर रूट होगा, यहां हो जाएगा वन प्लस साइन ए बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर में ही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका वन का स्क्वायर वन होता है माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए बटा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए होता है। देख लेते हैं कैसे कॉस स्क्वायर होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है, हमें इसका वैल्यू निकालना होगा, ये प्लस में है राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दोस्तों ये हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है आपका रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर यानी इसके बदले में हम इसको यानी कॉस ए लिख देंगे, ये कॉस ए हो जाएगा, यानी इसके बदले में खाली दोस्तों यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए नहीं होगा। तो यहाँ पर अब इसको क्या करते हैं, हमको मंगाना है सेक ए और प्लस टेन ए मंगाना है, तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कॉस ए जो है दोनों में डिवाइड में है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सेक ए और प्लस टेन ए आ जाएगा, यानी इसको करेंगे हम वन और ये बट्टा में हो जाएगा कॉस ए प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बट्टा में हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि वन बट्टा कॉस ए बराबर होता है सेक ए होता है, यानी ये हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है दोस्तों टैन ए होता है, ये हो जाएगा आपका आरएचएस प्रूफ हो गया। वैसा ही हर क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, सबसे पहले उसको तोड़ेंगे साइन साइन और कॉस के फॉर्म में, उससे तोड़ने से ये हो जाता है कि आपको आसान हो जाता है, ऐसे आप बिना तोड़े हुए बनाएंगे तो आपको बहुत सारे कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है आपका टेन थीटा प्लस यानी टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में दिया गया है आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक्स थीटा, यानी सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा दिया गया है। तो चलते हैं इसको भी हम सिद्ध करते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में इसको लेकर सिद्ध करते हैं। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलते हैं इसको एलएचएस से लेते हैं, यानी एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी उसको हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष। आपका हो जाएगा इसको हम तोड़ेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, तो जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में हो जाता है दोस्तों आपका कॉस थीटा होता है, प्लस टेन प्लस कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस थीटा और बटा में होता है साइन थीटा। उसके बाद दोस्तों एलसीएम निकालेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। जब नीचे का यानी जो हर जो होता है जो समान में नहीं रहता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह आपका एलसीएम हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं
तीन और चार का एलसीएम, तो दोनों अंक जो है यहाँ पर समान नहीं है, इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तीन चौका बारह। अगर यही इसी में अगर समान होता तो तीन और तीन का एलसीएम निकालना होता, तो इसमें तीन से डिवाइड करेंगे तो थ्री वन जा थ्री और थ्री वन जा थ्री, तो ये आपका ये हो जाता है थ्री हो जाता है। जब समान होता है तो एलसीएम निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है, और जब असमान होता है तो इसको डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, वह जो होता है आपका एलसीएम हो जाता है। चलते हैं कॉस थीटा में, यानी जो आपका एलसीएम जो आया हुआ है उसमें, यानी हर वाली जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है जो है जो फॉर्म दिया गया है उसमें जो इससे इस वाले यानी आपका एलसीएम में हम डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी ये जो है आपका ये कट जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा, और ऊपर वाली जो संख्या होती है अंश जो होती है उसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, दोस्तों बीच में प्लस हो जाएगा, साइन थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल वन आएगा, और वन से यानी वन आएगा, यानी इसमें ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कॉस थीटा और इनटू ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब दोस्तों ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे का जब आधार समान होता है तो इसमें जो पावन है इसमें पावन छिपा हुआ है, यानी इस पर भी पावर पावन है और इस पर भी पावर वन है, जब नीचे का आधार समान होता है तो ऊपर का पावर जुड़ता है, यानी हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बट्टा में दोस्तों हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। दोस्तों अब इसको हम करते हैं, जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों ये होता है आपका वन होता है बटा में, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा। दोस्तों जब इसको हम अलग अलग करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वन बटा कॉस थीटा इंटू वन बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद वन बटा कॉस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा इंटू में हो जाएगा वन बटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो देखा मैंने बहुत बेहतरीन और इजी तरीके से इसको सीध कर दिया, यानी आर एच एस आपका आ गया, यानी ये हो गया आपका प्रूफ। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक आप इसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपका दिया गया है कि टैन स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव बराबर दिया गया आपका टैन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव दिया गया। तो चलते हैं इसको सिद्ध करते हैं, यानी एल एच एस से यानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि सबसे पहले इसको साइन और कॉस के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो टैन स्क्वायर फाइव बराबर हम लगाते हैं, यानी कि टैन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इसको टैन फाइव को इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी साइन बाय कॉस में, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव बटा में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा,
डाटा में वहां लगा देते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा cos square phi और 1 का एलसीएम आपका cos square phi होगा। cos square phi से cos square phi में डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा आपका sin square phi हो जाएगा। cos square में cos square से मैं डिवाइड देंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 में sin square phi से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin square phi आ जाएगा। माइनस टू माइनस 1 में यानी 1 से cos square phi में डिवाइड देंगे तो आपका cos square phi होगा, और उसके बाद cos square phi से sin square phi मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin square phi इंटू cos square phi हो जाएगा। अब उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, इसमें से दोनों में sin square phi है तो एक कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा sin square phi इंटू में हो जाएगा 1 माइनस cos square phi हो जाएगा, ब्रैकेट्स बंद हो जाएगा। अब उसके बाद बट्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos square phi हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका, इसको इधर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा sin square phi, sin square phi और यहां पर इंटू में है तो इंटू 1 माइनस cos square phi बराबर होता है sin square phi होता है, sin square phi होगा, बटा में है cos square phi है, दोनों को अलग अलग जब cos square phi बराबर हो जाएगा tan square phi, और यहां पर हो जाएगा दोस्तों sin square phi होगा, sin square phi होगा, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई में है इसलिए आपका RHS आपका प्रूफ हो गया। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है कि tan स्क्वायर phi अब प्लस में है cot स्क्वायर phi बराबर में दिया गया है sec स्क्वायर phi, sec स्क्वायर phi इंटू cos स्क्वायर phi दिया गया है। चलते हैं इसको LHS से सिद्ध करते हैं, यानी LHS बराबर tan स्क्वायर phi बराबर दोस्तों हम जानते हैं कि ये होता है sin स्क्वायर phi बटा में होता है cos, ये हो जाएगा cos स्क्वायर phi प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर phi बराबर होता है cos स्क्वायर phi बटा में हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर phi हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं इसको एलसीएम लेते हैं, यानी ये आपका एलसीएम हो जाएगा cos square phi और यहां पर sin square phi का एलसीएम हो जाएगा, यानी ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका cos square phi इंटू ये हो जाएगा sin square phi हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये जो है असमान है तो जो दोनों जब असमान है तो जो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें कोई झंझट नहीं होगा। अब इसको एलसीएम में डिवाइड करते हैं यानी हर वाले फलन से, तो cos स्क्वायर phi में cos स्क्वायर से phi में डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये 1 आएगा, और 1 में जो sin स्क्वायर phi से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर phi होगा, और जो बच रहा है sin स्क्वायर phi में तो sin स्क्वायर phi में और sin स्क्वायर phi में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर phi का ये होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। बीच में हो जाएगा प्लस तो प्लस, sin स्क्वायर phi से sin स्क्वायर phi कैंसिल, बच जाएगा cos स्क्वायर phi, और cos स्क्वायर phi में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर phi का
होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद हो जाएगा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव और प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर वन होता है, ये हो जाएगा वन के स्क्वायर बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, वन का स्क्वायर वन ही होता है, यानी हो जाएगा वन बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब हो जाएगा आपको वन बटा कॉस स्क्वायर फाइव बराबर होता है दोस्तों सेक स्क्वायर फाइव इंटू वन बटा साइन स्क्वायर फाइव बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर फाइव। यह जो है आर एच एस प्रूफ हो गया। अगर आपको समझ यानी कहीं भी इस वीडियो में आपको परेशानी लगती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट्स बॉक्स में आप हमको लिखकर आप बता सकते हैं, मैं उसके बाद जहां आपको प्रॉब्लम होगा वहां से फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।